माँ, माँ तो माँ होती है बेटा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं, साक्षात भगवान भी नहीं। हां, भगवान भी नहीं। माना कि विष्णु ने 10 अवतार लिए, उसमें से एक अवतार बेटा प्रभु रामचंद्र जी का। इस अवतार में आकर उन्होंने पुत्र धर्म निभाया, पति धर्म निभाया, राज धर्म निभाया। तनिक एक मुझे उदाहरण बताओ, उपस्थित समस्त अतिथि और देवियों, है कोई देवता ऐसे जो पृथ्वी तला पर मां के रूप में आई है, पधारी है? मैं पूछता हूं आपको, है कोई तो बताओ ना मुझे, कोई देवता मां के रूप में इस पृथ्वी तला पर आई होगी? कीर्तनकार महाराज पधारे हैं यहां पर 2-3, वो बताओ मुझे। अध्यात्म में झांक कर देखो, एक भी नहीं मिलेगी किसी देवी ने मां का रूप लिया है, धरती पर जन्म लिया है मां के रूप में। मां तो मां होती है बेटा, मां तो मां होती है, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। अध्यात्म को झांक कर देखो, कीर्तनकार को पूछ कर देखो, किसी देवी ने मां का रूप नहीं लिया। लेकिन मैं कहता हूं हां, देवी ने मां का रूप लिया है। वो कौन है? वो है यहां पर आपको जन्म देने वाली, हमें जन्म देने वाली उपस्थित समस्त माता है। ये समस्त माता है, देवी का रूप है। आओ बच्चों, जिस मां के कारण मैंने आपने ये देखा, शीश झुकाकर उसे प्रणाम करते हैं बेटा, प्रणाम करते हैं। जब घर से बेटा बाहर जाता है 2 पैसा कमाने के लिए, धूप बरसात ठंड झेलता है, थककर जब वापिस घर पे आता है, देरी तक पहुंचता है, सबसे पहले बच्चे लिपट जाते हैं और कहते हैं पापा की ओर, पापा हमारे लिए क्या लाया? पानी लेकर पत्नी आती है, दिन भर में कितना कमाया? लेकिन कोने में बैठी हुई मेरी मां कहती है, बेटा दिन भर में कुछ खाया? मां तो मां होती है बेटा, मां तो मां होती है। मेरे नन्हे मुन्ने फरिश्ते इस मां का प्रतिपादन करने के लिए यहां पर पधार रहे हैं। हां, इन बच्चों को मां की ममता आप तक पहुंचानी है। लेकिन हां बेटा, आप सभी को कहता हूं, मां तो भगवान का दूसरा रूप होती है, मां को कभी नाराज मत करना, कभी उनके दिल ठेच ना पहुंचाना। जिन्हें मां है उनके लिए तो यह संभव है, लेकिन कोविड की परिस्थिति आई थी और इस परिस्थिति में कुछ बालक ऐसे अनाथ हो गए जिन्हें मां भी नहीं और बाप भी नहीं। मेरे ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने पेश कर रहे मां की ममता, आतंक की शीतलता। लेकिन जो मां नहीं है, पिता नहीं है, उसकी परवरिश की आज कैसी परिस्थिति है, वह चित्रीकरण आपके सामने पेश करे मेरे ये नन्हे मुन्ने फरिश्ते। माँ, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी खुशी में मेरी माँ को खुशी मिलती है। मेरे तकदीर में एक भी गम नहीं होता, अगर मेरे तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। आज मैं मेरी माँ के लिए कुछ गाना चाहूँगा। Thank you.
पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के प्यार सिर्फ माँ ही करती है। मेरे जमीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मेरी माँ ओ मेरी माँ। मैं मेरे सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ पे कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुमको हंसाएगी। भूल कर भी अपनी माँ को कभी मत रुलाना, एक छोटी सी गलती आंसू निकाल देगी। आई लव यू माँ। हमारे मम्मी पापा कब आएंगे? मुझे भी पापा की गोद में सोना है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्लीज जोरदार तालियां। देखो कौन आया है। मम्मी पापा आ गए थे। मम्मी पापा शायद मम्मी आ गई हमें लेने के लिए। सर आप किसे गोद लेना चाहेंगे?